एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें और संचारी रोग नियंत्रित हो पाए। उन्होंने कहा, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। यह प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर लोगों को विभिन्न बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इंसेफ्लाइटिस सहित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर उपजिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने कहा, ये वाहन यहाँ से रवाना किया गया है। ये वाहन इस बात का संदेश देगा कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए हर एक आदमी की भूमिका है, और हर एक आदमी जब जागरूक होगा तभी संचारी रोग नियंत्रित हो पाएगा। यहाँ तक कि अगर एक आदमी अपने शरीर पे तेल लगा लेता है तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। यहाँ तक कि एक अपना मच्छरदानी लगा के सोता है तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। अपने छत पे जो बर्तन है जिसमें पानियाँ इकट्ठा हैं उसको अगर गिरा देता है, जो कूलर है उसको साफ करता है, तो इस तरह से हर आदमी जब लगेगा तभी ये रोग नियंत्रित हो पाएगा। और इसमें हर एक आदमी की भूमिका निहित है, जो 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक चलेगा, और दस्तक अभियान 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें हर घर में आशाएँ दस्तक देंगी, संचारी रोग नियंत्रण के बारे में बताएंगी और JEES के बारे में भी डिटेल बताएंगे।